हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुकी है। तो चलिए, आज मैं ब्लड प्रेशर होने या बढ़ने का कारण जानते हैं और इसे ठीक होने का उपाय भी जानेंगे। ब्लड प्रेशर रक्तचाप अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अन्य बीमारी का कोई कारण है। अब रक्तचाप बढ़ने का कारण हम मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले अनुवांशिकता। इसमें अगर माता पिता रक्तचाप से ग्रसित हैं तो 20% चांस बनता है कि उनके बच्चे रक्तचाप से ग्रसित होंगे। दूसरा, अधिक भार और मोटापन। इसमें ऐसा देखा जाता है कि सामान्य लोगों के अपेक्षा जो मोटे ताजे और अधिक वजन वाले होते हैं वो भी रक्तचाप से ग्रसित होते हैं। चलिए तीसरा, गुर्दे संबंधी कोई बीमारी। अगर गुर्दा संबंधी कोई बीमारी रहता है तो ही वो रक्तचाप से ग्रसित होता है। चौथा नंबर में आता है मानसिक स्थिति, यानी कि टेंशन। मानसिक स्थिति, ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक चिंताग्रस्त यानी टेंशन में रहता है, वह व्यक्ति रक्त से ग्रसित हो सकते हैं। फाइव नंबर, वसा युक्त आहार। हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या यह नहीं कि हम वसा कितना सेवन करते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम वसा कितना सेवन करते हैं। अब चलिए छठा, धूम्रपान और नशा। धूम्रपान करने वाले लोगों का रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे रक्तचाप से ग्रसित हो जाते हैं। एक हो रहा रक्तचाप बढ़ने का कारण। अब मैं जो बता रहा हूँ, अब इससे छुटकारा पाने का उपाय कि हम लोग इसे कैसे बच सकते हैं, और अगर रक्तचाप से ग्रसित हैं तो हम इसे कैसे छुटकारा पाएंगे। तो आइए, हम कुछ आपको होम्योपैथ टिप्स बता रहे हैं। अगर किसी का रक्तचाप ब्लड प्रेशर से ग्रसित है और वो अपने आप को मारना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, तो उसमें होम्योपैथ दवा ऑरामेट, हमारे पास थोड़ा बड़ा बोतल है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें आता है ऑरामेट नाम की जो दवा है, 200 पाउंड में सुबह दोपहर शाम लेने से ठीक हो जाता है। और ब्लड प्रेशर जो है इसी तरह से बहुत हाई बढ़ गया है, 160 तो उसमें राव लेफिया सरपेंटिना मदक टीचर आता है, जो 10 बूंद की मात्रा में सुबह दोपहर शाम हॉट पानी के साथ में लेने के साथ में ठीक हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है एड्रेनिलिनम, इसका 1 पावर सुबह में एक बार लेंगे तो भी ठीक हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है क्रेटेगस ऑक्सी। अगर ब्लड प्रेशर रक्तचाप आपका हाई है तो भी और लो है तो भी, दोनों स्थिति में यह काम करता है। चौथा नंबर पर आता है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा में अगर आप गाउट, गठिया, सेटिका से ग्रसित हैं, ज्वाइंट ज्वाइंट पर दर्द है और आपको रात में नींद नहीं आ रहा है और बीपी भी आई है, तो आप पैसी फ्लोरा इनका डेटा ले सकते हैं, आपको बहुत बहुत फायदा देगा। 6 नंबर पर हम आते हैं कैक्टस की। अगर आपका हार्ट में पेन है, हाइपरट्रोफी है, तो हम कैक्टस मदक टीचर का प्रयोग 10-10 बूंद की मात्रा में सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपका बीपी लो है या हाई है, दोनों ही स्थिति में आपको 20 ml 200 पाउंड का सुबह दोपहर शाम खाली जीभ पर 2-2 बूंद 4-4 बूंद की मात्रा में लेंगे तो भी ये
बहुत बढ़िया काम करता है। अगर हम चाहें तो इन सब दवाओं को न लेकर के सिर्फ एक दवा लेना चाहेंगे तो 8 को SBL का टॉनिक कार्ड गोल्ड रो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास उपलब्ध है, ये देख लीजिए SBL का है टॉनिक कार्ड ड्रॉप, ये आपको लमसम 150 रुपये का मिल जाएगा। इसको 30 से 40 बूंद सुबह में, दोपहर में और शाम को, सुबह में खाना खाने से पहले, दोपहर में खाना खाने से पहले और शाम को करीब 5-6 बजे 30-30 बूंद की मात्रा में गर्म पानी के साथ में लेने से आपका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये ऐसी दवा है कि जो हल्का फल्का भी ब्लड प्रेशर से ग्रसित है वो भी अगर परमानेंट लेते रहे तो भी आप इसे ठीक हो जाएंगे। और जो एलोपैथ अंग्रेजी जो दवा है जो आपको परमानेंट लेना पड़ता है, इसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद।